अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपने बी यूनियन सी मालूम करना है और फिर उस आंसर का ए के साथ यूनियन मालूम करना है। यहाँ पे तीन शर्त दिए गए हैं और जो वैल्यू ब्रैकेट में दी गई है पहले आपने उसे सॉल्व करना है। ए बी सी की वैल्यू आपको नज़र आ रही है। सेकंड पार्ट में आपने ये इंटरसेक्शन मालूम करना है। पहले आप ब्रैकेट से शुरू करेंगे, बी और सी का पहले इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, फिर जो आंसर होगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है। तो बेटा ये ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले आप इसको ब्रैकेट वाली वैल्यू बी यूनियन सी से सॉल्व करेंगे। पहले बी की वैल्यू लिखी, वो है बी सी एफ और जी यूनियन। सी की वैल्यू लिखेंगे सी एफ जी एच। आप इन दोनों को यूनियन में इकट्ठा कर लेंगे। बी इधर से आया, सी दोनों में आ रहा है तो सी को एक दफ़ा लिखेंगे, फिर लिखेंगे एफ जी एच। ठीक है, अब बेटा जो आंसर आया है उसका आपने ए के साथ यूनियन लेना है। तो ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। बी का बी ए हमने पहले लिखा है तो ए की वैल्यू भी हम पहले लिखेंगे। तो ए की वैल्यू लिखते हैं, ये आ गया ए सी डी एफ यूनियन। बी यूनियन सी का जो आंसर आपने ऊपर निकाला है बच्चों, वो आपने इधर लिख देना है, वो है बी सी एफ जी एच। अब आपने इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेना है। पहले सेट से आएगा ए, फिर इधर से आएगा बी, फिर सी, फिर इधर से पहले सेट से डी, फिर आप लिखेंगे एफ और आगे जी एच। ठीक है बेटा। अब बच्चों आपने इस पार्ट में आपने बी और सी